हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज है 2 फरवरी और देख लेते हैं आज के सारे इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है गेल स्टार्ट्स इंडियाज मैडन प्रोजेक्ट ऑफ ब्लेंडिंग हाइड्रोजन इनटू सीजीडी नेटवर्क एट इंदौर। गेल ने शुरुआत कर दिया है इंडिया के मैडन प्रोजेक्ट को, जिसमें कि वो ब्लेंड करेगा हाइड्रोजन को सीजीडी नेटवर्क के साथ इंदौर में। ठीक है, क्या है न्यूज में और ये सीजीडी क्या है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो इन लाइन विथ नेशनल हाइड्रोजन मिशन, गेल हैज कमेंस्ड इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट ऑफ मिक्सिंग हाइड्रोजन इनटू द नेचुरल गैस सिस्टम टू एस्टेब्लिश द टेक्नो कमर्शियल फैसिबिलिटी ऑफ ब्लेंडिंग हाइड्रोजन इन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी नेटवर्क। यानी कि जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है, गेल ने इसे शुरुआत कर दिया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट के रूप में, जहां की वो मिक्स करेगा हाइड्रोजन को इनटू द नेचुरल गैस सिस्टम। जो नेचुरल गैस सिस्टम है उसमें हाइड्रोजन का मिक्सचर कर किया जाएगा। किस चीज के लिए? टू एस्टेब्लिश द टेक्नो कमर्शियल फैसिबिलिटी ऑफ ब्लेंडिंग हाइड्रोजन, मैंने हाइड्रोजन को ब्लेंड किया जाएगा, मिलाया जाएगा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। ठीक है, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ब्लेंड 15% ग्रीन हाइड्रोजन विद पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी फॉर डोमेस्टिक कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंजम्पशन। यानी बड़े बड़े शहरों में क्या हो रही है कि पाइप के जरिए जो है वो डोमेस्टिक गैस, जो फूड गैस जो होती है, जैसे एलपीजी, जैसे हम लोग सिलेंडर लेते हैं, वो डोमेस्टिक गैस जो है वो पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई की जाती है। तो उसी तरह कमर्शियल यूज में भी ये सप्लाई की जाती है और इंडस्ट्रियल यूज में भी ये इसका कंजम्पशन होता है। तो गवर्नमेंट का प्लान है कि इसमें 15% ग्रीन हाइड्रोजन को मिक्स किया जाए, उसके साथ ब्लेंड करने का प्रोग्राम है ये। इम्पॉर्टेंस क्या है ब्लेंडिंग का हाइड्रोजन विथ नेचुरल गैस, यानी इस नेचुरल गैस में अगर हम हाइड्रोजन को ब्लेंड करते हैं, मिक्स करते हैं, तो इसका फायदा क्या है? तो ब्लेंडिंग से क्या होगा कि ब्लेंडिंग इंटीग्रेट्स कंसेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन इनटू एग्जिस्टिंग नेचुरल गैस पाइपलाइंस एंड रिड्यूसेस कार्बन इंटेंसिटी ऑफ मीथेन। जो कार्बन इंटेंसिटी जो है वो मीथेन का वो रिड्यूस होगा इससे, यानी कि जो पॉल्यूशन है वो एक तरह से कम करने के लिए इसे यूज करने की बात की जा रही है। ठीक है, ठीक है, गवर्नमेंट ये प्लान कर रहा है। फिर कितना परसेंट? तो 15% ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन इनरिच्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी जब HCNG होगा, विल इंश्योर 70% मोर रिडक्शन इन कार्बन मोनोक्साइड एमिशन कंपेयर टू CNG। यानी कार्स वगैरह में, जो कार चल रही है CNG कार, उसमें अगर हम लोग हाइड्रोजन का अगर इनरिचमेंट ज्यादा होगा, अगर CNG के साथ अगर हम हाइड्रोजन मिक्स कर देंगे, तो 70% और ज्यादा रिडक्शन हो सकेगा कार्बन मोनोक्साइड जो एमिशन हो रहा है उसका। साथ ही साथ इट इज इजियर एंड सेफर टू यूज देन हाइड्रोजन एंड इट कंटेन्स वेरी लो एनर्जी कंटेंट फ्रॉम हाइड्रोजन, दैट इज अप टू 30% बाय वॉल्यूम। ठीक है, और ये इजियर है और सेफर है इसे यूज करना देन हाइड्रोजन, कि इसे ब्लेंड कर यूज किया जाए। तो पावर आउटपुट जो HCNG का होगा वो ऑल्सो बेटर होगा देन CNG, यानी CNG जितना पावर जनरेट करता है उससे ज्यादा पावर HCNG जनरेट करेगा। लेकिन चैलेंजेस क्या है इसके लिए? तो हाइड्रोजन जो एम्ब्रिलमेंट है कैन वीकन मेटल और पॉलीथीन पाइप्स एंड इंक्रीज लीकेज रिस्क। लेकिन हाइड्रोजन के जो ब्लेंडिंग से क्या होगा, इससे एक रिस्क बना हुआ होता है कि ये मेटल को जल्दी वीक कर देता है। ठीक है, और जो पाइप्स होते हैं उनमें लीकेज का रिस्क जो है इससे बढ़ जाता है। लीकेज होगा तो फिर बहुत डेंजरस ये सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, हाइड्रोजन इज ए क्लीन फ्यूल एंड प्रोड्यूसेस ओनली वाटर एज बाय प्रोडक्ट। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो क्लीन फ्यूल है। ठीक है, और ये बाय प्रोडक्ट यानी वेस्टेज के रूप में सिर्फ वाटर को ही ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स हाइड्रोजन इज क्लासिफाइड एज ब्राउन डिराइव्ड फ्रॉम कोल गैसिफिकेशन, या ब्लू प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस विद अ प्रोसेस ऑफ स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, या फिर ग्रीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस एंड ग्रे प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस। तो एक सोर्स के आधार पर इसका कलर का हम लोग हाइड्रोजन के कलर को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो
एक चीज और देख, सीजीडी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सीजीडी क्या है। सीजीडी जो है वो ये है, सीजीडी रेफर्स टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नेचुरल गैस। सीजीडी का मतलब है किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा नेचुरल गैस, उसके बारे में है। टू इनेबल सप्लाई ऑफ क्लीनर कुकिंग फ्यूल जैसे कि पीएनजी टू हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूनिट, एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल लाइक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टू व्हीकल्स थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन। पाइपलाइन के जरिए से ट्रांसपोर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको सीजीडी कहा गया है। तो अंडर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो रेगुलेटरी बोर्ड है 2006 का, उसमें पीएनजीआरबी को ग्रांट किया गया ऑथराइजेशन टू इंटाइटिस फॉर डेवलपिंग ए सीजीडी नेटवर्क इन ए स्पेसिफाइड ज्योग्राफिक एरिया ऑफ द कंट्री। यानी कंट्री के बहुत सारे एरिया में, ज्योग्राफिकल एरिया में इसको डेवलप करने की बात ऑथराइजेशन जो है वो ग्रांट मिली है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है वेटलैंड्स को लेकर। यहाँ पे बोला गया है कि वेटलैंड्स को अनसंग हीरो बताया गया है हमारे प्लेनेट का, यानी कि ऐसे हीरो जिनका कंट्रीब्यूशन हमारे प्लेनेट के लिए तो सब बहुत सबसे ज्यादा है या बहुत महत्वपूर्ण रखता है, लेकिन उनको रिकॉग्निशन हमें मतलब कि मिला नहीं है जितना मिलना चाहिए। तो इसलिए इन्हें अनसंग हीरो बोला गया है। ठीक है, यानी अपना काम कर रहे हैं लेकिन इनको उतना ज्यादा रिकॉग्निशन या फिर नहीं मिला है, और ये अनसंग हीरो है हमारे किसके, प्लेनेट के। कैसे, आइए देख लेते हैं। तो दिस ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड कब का, ये 1972 का है। वर्ल्ड्स वेटलैंड डे फरवरी 2, यानी 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे इज बीइंग ऑब्जर्व एज ए यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे। यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे फरवरी 2 को मनाया जाएगा या मनाया जाता है, इज बीइंग ऑब्जर्व, और इसे ऑब्जर्व किया जाएगा एज ए यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे के रूप में। ए वेटलैंड इज डिफाइंड एज, वेटलैंड किसको बोला जाता है, एक एनी एनी लैंड एरिया दैट इज सेचुरेटेड और फ्लडेड विथ वाटर आइदर सीजनली और परमानेंटली, सच एज लेक्स, एक्वाफायर्स एंड मार्सेस, मैनग्रोव्स, पीटर लैंड्स, कोरल रीफ्स। तो वेटलैंड किसको बोला जाएगा, कोई भी एक ऐसा लैंड जो कि सेचुरेटेड है या फ्लडेड है वाटर से, या तो सीजनली या फिर परमानेंटली, जैसे कि लेक्स हो गया, एक्वाफायर्स हो गया, मैंग्रोव्स हो गया, पीट लैंड्स हो गया, मार्सेस हो गया, कोरल रीफ्स हो गया, इन सभी चीजों एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इन सभी को हम लोग वेटलैंड्स बोलेंगे। तो रामसर वेटलैंड साइट्स इन इंडिया, तो ये सारे वेटलैंड साइट्स जो कि मैप में दिख रहे हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है इन वेटलैंड्स का, ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है इन वेटलैंड्स का, तो वेटलैंड जो है स्टोर होता है मोर कार्बन देन एनी अदर इकोसिस्टम। वेटलैंड जो अपने आप अपने में स्टोर कर लेता है बहुत सारा कार्बन जो और अदर इकोसिस्टम के कंपैरिजन में देखा जाए तो, विथ पीटलैंड्स अलोंग स्टोरिंग ट्वाइस एज मच ऑल द वर्ल्ड फॉरेस्ट। और पीटलैंड में वर्ल्ड के जितने भी वर्ल्ड फॉरेस्ट है उसका दुगना जो है ये अपने अंदर जो है स्टोर कर लेता है कार्बन को। ठीक है, तो वेटलैंड आर होम टू ओवर 1 लाख फ्रेश वाटर स्पीसीज ऑफ एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड माइग्रेटरी बर्ड्स। यानी ये वेटलैंड जो है ये लगभग 1 लाख फ्रेश वाटर स्पीसीज ऑफ एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और माइग्रेटरी बर्ड्स का ये घर होता है। वेटलैंड्स एक्ट एज ए नेचर शॉक एब्जॉर्बर्स, एज ए नेचुरल बफर ड्यूरिंग एक्सट्रीम वेदर, रिड्यूसिंग फ्लडिंग एंड डिलेइंग ऑन सेट ऑफ ड्राउट्स, प्रोविजन ऑफ फ्रेश वाटर, फिल्ट्रेशन ऑफ हार्मफुल वेस्ट वाटर, सस्टेन्स द लिवलीहुड ऑफ ओवर 61.8 मिलियन पीपुल, फूड, फिश एंड एक्वा कल्चर। और ये हमें फ्रेश वाटर प्रोवाइड करता है, हार्मफुल वेस्ट वाटर का फिल्ट्रेशन करता है, और साथ ही साथ इसके पानी से लगभग इतने मिलियन लोग, 61.8 मिलियन जो ये लोग है, 61 मिलियन के लोग को ये लिवलीहुड प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, फिशिंग प्रोवाइड करता है, एक्वा कल्चर इससे डेवलप होता है। तो हाउ एवर 85% ऑफ वेटलैंड प्रेजेंट इन 17 वेयर लॉस्ट बाय 2000 ड्यू टू डेवलपमेंट फार्मिंग और अदर प्रोडक्टिव यूज। यानी डेवलपमेंट के नाम पर या प्रोडक्टिव यूज के नाम पर लगभग 85% जो वेटलैंड है जो कि 1700 के आसपास प्रेजेंट थे वो लॉस्ट हो चुके हैं 2000 के आते आते। ठीक है, दे आर फेसिंग एक्सटिंक्शन ड्यू टू
इन्वेजन स्पीसीज, पॉल्यूशन, हैबिटेट लॉस एंड ओवर, इन सब चीजों के कारण। ठीक है, ग्लोबल इनिशिएटिव क्या है वेटलैंड्स को लेकर, ओवर हार्वेस्टिंग। रामसर कन्वेंशन जो अडॉप्ट हुआ था इन 1971 इज इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, जो कि प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर द कन्वर्सेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 के अंदर टारगेट 6 मैंडेट्स, ऑल कंट्रीज आर कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग वेटलैंड्स बाय 2030। प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स इज अ प्रायोरिटी ऑफ यूएनईपी एंड ए स्पेशल फोकस द यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021 टू 2030। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मार्क्स इंडक्शन ऑफ वुमेन फाइटर्स पायलट इन IAF। ठीक है, इंडियन एयर फोर्स ए परमानेंट स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मार्क किया कि इंडक्शन ऑफ वुमेन फाइटर पायलट जो है वो इंडियन एयर फोर्स में है और परमानेंट स्कीम के तौर पर। क्या है ये देख लेते हैं। मिनिस्ट्री हैज डिसाइड टू कन्वर्ट एक्सपेरिमेंटल स्कीम ऑफ इंडक्शन ऑफ वुमेन फाइटर पायलट इन इंडियन एयरफोर्स इंटू अ परमानेंट स्कीम। यानी मिनिस्ट्री ने अब ये डिसाइड किया है कि वुमेन फाइटर पायलट जो है, जो कि एक्सपेरिमेंटल के तौर पर कुछ को यहाँ पे भर्ती दी जाती थी इंडियन एयरफोर्स में, अब इसे परमानेंट तौर पर कर दिया जाए, ताकि और ज्यादा इसमें वुमेन फाइटर पायलट जो है वो उनका हिस्सेदारी और बढ़ सके। ए टोटल ऑफ 16 वुमेन हैव बीन कमीशन्ड एज ए फाइटर पायलट आफ्टर द एक्सपेरिमेंटल स्कीम ऑफ देयर इंड्यूसेंस। यानी एक्सपेरिमेंटल स्कीम के तौर पर जब इसे शुरुआत किया है, और अब तक 16 वुमेन जो फाइटर पायलट है वो अभी है। इन 2021 सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द वुमेन बी अलाउड टू फेस नेशनल डिफेंस एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम फॉर गेनिंग कमीशन एज ए ऑफिसर्स इन डिफेंस सर्विसेज। थ्री सर्विसेज चीफ्स हैव बीन फॉलोइंग दिस सेंटर इन्फॉर्म दैट थ्री सर्विसेज चीफ्स हैव एग्रीड फॉर परमानेंट कमीशन ऑफ वुमेन एंड देयर एंट्री इन एनडीए। करेंटली इंडियन आर्मी एयरफोर्स एंड इनलिस्ट ओनली 0.56%, 1.08% एंड 6.5% ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स रेस्पेक्टिवली। यानी सिर्फ टोटल में अगर देखें तो इतना ही परसेंट वुमेन का कैंडिडेट है तीनों ही फोर्सेस में। ठीक है, रीजंस फॉर लो नंबर ऑफ, क्यों है ये नंबर जो है ये लो क्यों है वुमेन का इन आर्म्ड फोर्सेस में, तो कई सारे कारण है, जैसे लो एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन इन लीडरशिप रोल्स अमंग मेल सोल्जर्स, वल्नरेबिलिटी टू सेक्सुअल हेरासमेंट, फिजिकल लिमिटेशंस, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज सेपरेट टॉयलेट्स एक्सेट्रा। तो इन सब कारणों से जो है वो वुमेन का नंबर जो है आर्म्ड फोर्सेस में कम देखने को होता है। लेकिन इन बबीता पुनिया केस के जो सुप्रीम कोर्ट का रूल था दैट वुमेन शुड बी ग्रांटेड परमानेंट कमीशन, यानी वुमेन को परमानेंट कमीशन के तौर पर एक्सेप्ट करना चाहिए, नॉट एन ना कि एक्सपेरिमेंटल के तौर पर, एक्सपेरिमेंटल कमीशन के तौर पर। ठीक है, एंड प्रोमिशंस इक्वल टू देयर मेल काउंटर पार्ट, यानी जितना मेल को बराबरी दी जाती है उसी तरह फीमेल को भी बराबरी देनी चाहिए। ऑल्सो रिसेंटली इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द सैनिक स्कूल्स विल बी ओपन टू फीमेल स्टूडेंट, यानी सैनिक स्कूल जो है वो फीमेल के लिए भी खोल दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्लियर हुआ, वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, वुमेन से रिलेटेड कुछ अगर कुछ लिखने भी आता है तो आप इस चीज को कोट कर सकते हैं, इन सारे पॉइंट्स को। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है, पहले ये देख लेते हैं। इंडिया इम्पोजेस 30% टैक्स ऑन प्रोसीड्स ऑफ डिजिटल एसेट्स। ठीक है, डिजिटल एसेट्स पे 30% टैक्स प्रोसीड्स करने के लिए इम्पोज कर रहा है इंडिया। क्या है, तो इन द यूनियन बजट ऑफ 2022 इट वाज ए प्रोपोज दैट एनी इनकम फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जैसे कि इंक्लूडिंग क्रिप्टो इज टैक्सेबल एट 30%। 30% उसमें टैक्स लगेगा, यानी कोई भी इनकम अगर डिजिटली हुआ है, ठीक है, डिजिटली एसेट्स के तौर पे है, तो उसमें 30% टैक्स लगेगा। 1% टैक्स डिडक्टेड एज सोर्सेस, यानी TDS के तौर पर 1% टैक्स डिडक्ट होगा ऑन पेमेंट्स मेड फॉर ट्रांसफर ऑफ डिजिटल एसेट्स। यानी डिजिटल एसेट्स ट्रांसफर अगर होगा तो उसमें 1% टैक्स कट जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा एज ए TDS के तौर पर। ठीक है, और एनी लॉस मेड ऑन सच ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर गेन। ठीक है, गिफ्ट ऑफ वर्चुअल करेंसीज इज ऑल्सो टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। यानी किसी तरह का गिफ्ट अगर दिया जा रहा है वर्चुअल करेंसीज में, तो
तो वो भी टैक्सेबल होगा इन हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट, ठीक है, यानी जिसको मिलेगा उसे टैक्स देना होगा। इम्प्लीकेशन किस तरह से होगा, तो इंश्योरिंग दैट पर्सन इंगेजिंग इन क्रिप्टो ट्रेडिंग विल नॉट बी अलाउड टू स्केप टैक्स नेट, ठीक है, कुड डिस्यूटेड ट्रेड्स दैट हैव बीन सोरिंग डिस्पाइट द आरबीआई वार्निंग अबाउट द रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड प्राइस वॉलेंटरीली। Currently, there are estimated 15 million to 20 million crypto investors in India. यानी इंडिया में लगभग 15 million से लेकर 20 million crypto investors हैं, and will total crypto holding जो है उनका around 40,000 करोड़ रुपए का लगभग ये crypto hold किए हुए हैं, holding है। Cryptocurrency will be recognized as a assets and not currencies. Cryptocurrencies को assets के तौर पर recognize किया जाता है, currency के तौर पर नहीं। RBI backed, also by 2023, RBI backed central bank digital currency will be introduced. ठीक है, a CBD is the legal tender issued by a central bank in a digital form. It is the same as a flat currency like Indian rupee or US dollar and is exchangeable one to one with the fiat currency. यानी ठीक है, तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आज का हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है एनुअल रिपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम मार्क्स 50 इयर्स ऑफ इट्स इंसेप्शन, यानी 50 साल पूरे हो चुके हैं एनुअल रिपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के, ठीक है। तो रिपोर्ट जो आइडेंटिफाइज फॉलोज थ्री एक्शन अंडर प्लैनेटरी एक्शन, तीन एक्शन लिया जाता है एज ए प्लैनेटरी एक्शन। पहला है क्लाइमेट एक्शंस विच इंक्लूड नेट जीरो एसेट ओनर अलायंस, इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी, सीड कैपिटल असिस्टेंस फैसिलिटी फॉर लो कार्बन प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। नेचर एक्शन इंक्लूडिंग एडॉप्शन ऑफ सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग, इकोसिस्टम अकाउंटिंग, लॉन्चिंग यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021-30 एक्सेट्रा। इन केमिकल्स एंड पॉल्यूशन एक्शन इंक्लूड्स लॉन्च ऑफ ग्लोबल एसेट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन लेजिस्लेशन, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, रेजिंग अवेयरनेस ऑफ हैजार्डस लीड इन बैटरीज एक्सेट्रा। अबाउट यूएनईपी अगर बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नायोबी केनिया में है। द यूएनईपी जो कि नाइबिया में और केनिया में है, इसका यूएनईपी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1972 में हुआ था थ्रू स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के साथ। डिक्लेरेशन में इट इज द ग्लोबल अथॉरिटी दैट सेट्स द एनवायरमेंटल एजेंडा, प्रोमोट्स कोहेरेंट इम्प्लीमेंटेशन। इट वर्क विद इट्स 193 मेंबर, इसमें 193 मेंबर स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। सेवन ब्रॉड थेमेटिक एरिया ऑफ वर्क है, जैसे क्लाइमेट चेंज पर काम करता है, डिजास्टर्स पर, कॉन्फ्लिक्ट्स पर, इकोसिस्टम मैनेजमेंट पर, एनवायरमेंटल गवर्नमेंट्स पर, केमिकल एंड वेस्ट पर, रिसोर्सेस एफिशिएंसी पर एंड एनवायरमेंट अंडर रिव्यू पर, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशंस फॉर 95% ऑफ इट्स इनकम, और ये डिपेंड करता है वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन जो कि 95% उसका इनकम का सोर्स है, ठीक है। इट होस्ट द यूएन एनवायरमेंटल असेंबली, यूनाइटेड यूएन एनवायरमेंटल एनवायरमेंट असेंबली को ये होस्ट करता है जो कि द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑन द एनवायरमेंट, ठीक है। कुछ मल्टीलेटरल एनवायरमेंट एग्रीमेंट से यूएनईपी के, वो भी आप यहाँ पर रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वो है मैरीन हीट वेव्स पर। मैरीन हीट वेव्स ओवर इंडियन ओशियंस आर रिड्यूसिंग मॉनसून रेन ओवर सेंट्रल इंडिया, यानी जो हीट वेव्स, मैरीन हीट वेव्स के कारण जो है, जो कि इंडियन ओशियन के ऊपर है, वो रिड्यूस कर दे रहा है, यानी कम कर दे रहा है जो मॉनसून रेन है सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। क्या है देख लेते हैं, तो स्टडी इज कंडक्टेड बाय द सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ये जो स्टडी है जो कंडक्ट किया गया है सेंटर के द्वारा क्लाइमेट चेंज रिसर्च को लेकर, कहाँ पे, एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के अंदर, मेट्रोलॉजी में, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। क्या की फाइंडिंग से देख लेते हैं,
वेस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन में ही एक्सपीरियंस्ड द लार्ज इंक्रीज ऑफ मॉनसून मैरिन हीट वेव्स, यानी ये जो रीजन है इसमें जो है लार्ज इंक्रीज देखने को मिला है मैरिन हीट वेव्स का, यानी 1.5 इवेंट्स पर डिकेड, फॉलोइंग बाय द नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में भी देखने को ये मिला है जो कि 0.5 इवेंट्स पर डिकेड देखने को मिला है ड्यूरिंग 1982 से 2018 के बीच में। राइज इन जो मरीन जो ये है वेव हीट है ओवर द इंडियन ओशियन इज लीडिंग टू, इससे इसका इससे हो क्या रहा है कि रिडक्शन इन मॉनसून रेनफॉल ओवर सेंट्रल इंडिया और इन्हांसमेंट ऑफ मॉनसून रेन ओवर द साउथ पेनिनसुला रीजन, यानी मॉनसून का जो रेनफॉल है मॉनसून में जो रेनफॉल होता है सेंट्रल इंडिया में वो घट रहा है लेकिन मॉनसून बढ़ रहा है इन्हांस हो रहा है किस रीजन में, साउथ पेनिनसुलर रीजन में। ठीक है, तो ये जो चेंज हो रहा है आर इन रेस्पॉन्स टू द मॉड्यूलेशन ऑफ द मॉनसून विंड्स बाय द हीट वेव्स, यानी इस हीट वेव्स के कारण जो ये मॉनसून का जो हवा है इसमें मॉड्यूलेशन हो रहा है, इसका रेस्पॉन्स अलग देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये मैरीन हीट वेव्स को किस तरह से डिफाइन किया जाता है कि व्हेन सी वाटर टेम्परेचर, जब सी वाटर का जो टेम्परेचर वो बढ़ता एक्सीड करता है तो ये सीजनल वेरिंग थर्मोसेंड जो है फॉर यूजुअली द 90th परसेंटाइल फॉर एटलीस्ट 5 कंसेक्यूटिव डेज। और काउजेज ऑफ ये मैरीन हीट वेव्स क्या काउज करता है, तो ये बैकग्राउंड ओशियन वार्मिंग इन द इंडियन ओशियन एंड ऑल्सो इन रेस्पॉन्स टू एल नीनो इवेंट्स, इससे जो है ओशियन वार्मिंग होता है इंडियन ओशियन के अंदर में और ये एल नीनो इवेंट्स को भी रेस्पॉन्स करता है पैसिफिक ओशियन में। लोकली ए पीक इन सोलर रेडिएशन एंड ए डिप इन इवेपोरेटिव कूलिंग ड्यू टू द वीक विंड्स इन द वेस्टर्न इंडियन ओशियन, द वीक विंड्स ऑल्सो रिड्यूस द हीट ट्रांसपोर्टेड बाय ओशियन करेंट्स फ्रॉम द नियर इक्वेटोरियल रीजन्स टुवार्ड द नॉर्थ कॉमा इंटेंसिफाइंग द मैरीन हीट वेव्स। ठीक है, तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे एडिशनल टॉपिक की ओर, ठीक है, एक्स्ट्रा जो न्यूज में होता है वो। तो पहला जो है वो मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स क्या है, तो अंडर आर्टिकल 87 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट एड्रेसेस बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी आर्टिकल 87 के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रेसिडेंट जो है वो दोनों ही हाउसेस को पार्लियामेंट के एड्रेस करता है एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल असेंबली, हर एक जनरल असेंबली के बाद जो पहला सेशन होता है उसको शुरुआत करता है टू द लोकसभा एंड ऑल्सो द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर हाईलाइटेड द पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव अनाउंसमेंट्स। फॉलोइंग दिस द नेक्स्ट डे अ मोशन ऑफ थैंक्स इज मूव्ड, यानी उसके अगले दिन जो एक मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो मूव होता है दोनों ही हाउसेस में, जो कि थैंकिंग किया जाता है द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को थैंकिंग बोल किया जाता है ऑफ हिज और हर एड्रेस, यानी उन्होंने एड्रेस किया दोनों ही हाउसेस को, विच इज देन पुट टू वोट, जो कि उसके बाद वोट होता है। एमपीस कैन एक्सप्रेस देयर डिसएग्रीमेंट बाय मूविंग अमेंडमेंट्स टू द मोशन, यानी एमपीस जो है वो डिसएग्रीमेंट इसमें कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं मूविंग अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स करवा कर मोशन अमेंडमेंट्स करके मोशन में। डिफीट ऑफ मोशन ऑफ थैंक्स इज सीन एज ए डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी अगर मोशन ऑफ थैंक्स को अगर डिफीट होता हुआ हो रहा है तो इसका मतलब है गवर्नमेंट ही डिफीट कर रहा है, यानी कि अगर वहां के एमपीज को ही मंजूरी नहीं, अगर वो थैंकिंग नहीं कर रहे हैं प्रेसिडेंट को, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ही डिफीट एंड गवर्नमेंट ही हार रहा है। ठीक है, इसका सीधा सीधी मतलब यही है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये मोशन ऑफ थैंक्स क्या है, टॉपिक समझ में आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेंटिनल ऑन द क्यू वाइव क्या है, इट इज यूजुअली ट्रांसलेटेड एज वॉचफुल गार्जियन, इसे वॉचफुल गार्जियन के तौर पर बोला जाता है। क्यू क्यू वी मीन्स वॉचफुल और अलर्ट, क्यू वी का मतलब ही होता है वॉचफुल या फिर अलर्ट, वॉचफुल। सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज दिस फेज इन द स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस वी जी रो यूनियन ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट 1952, वेयर द कोर्ट हैज बीन गिवेन द रोल ऑफ सेंटिनल ऑन द क्यू वी विथ रिगार्ड्स टू द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को लेकर इसमें बोला गया था वॉचफुल के तौर पर, सेंटिनल ऑन द क्यू वी विथ रिगार्ड्स टू द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट क्या
है न्यूज में देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। दिस न्यू स्कीम वॉज अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2022-23 विद इनिशियल एलोकेशन ऑफ 1500 करोड़। इट विल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्पाइट ऑफ पीएम गति शक्ति एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन फ्लैट नीड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। दिस विल इनेबल लिवलीहुड एक्टिविटीज फॉर यूथ एंड वुमेन इम्प्लीमेंटेड थ्रू द यूथ ऑफ वुमेन फिलिंग द गैप्स इन वेरियस सेक्टर्स। इट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एंड विल नॉट बी ए सब्स्टिट्यूट फॉर एग्जिस्टिंग सेंट्रल और स्टेट स्कीम्स। While the central ministers may also propose their candidate projects, priority will be given to those posed by the states. ठीक है? Next, major non-NATO ally. क्या है ये? देख लेते हैं। The US has designated Qatar a MNNA. यानी US ने designated किया Qatar को a MNNA. About MNNA क्या है ये? तो नेशंस विथ MNNA डेजिग्नेशन आर एलिजिबल टू अमंग्स अदर थिंग्स होस्ट USA वॉर रिजर्व स्टॉक पाइल्स फॉर मटेरियल इनसाइड देयर कंट्रीज। व्हाइल MNNA स्टेटस प्रोवाइड्स मिलिट्री एंड इकोनॉमिक प्रिविलेजेस, इट डज नॉट इंटेल एनी सिक्योरिटी कमिटमेंट्स टू द डेजिग्नेटेड कंट्री। इंडिया इज नॉट MNNA टू ऑफ US. However, in 2018, India was elevated to Strategic Trade Authorization Tier 1 status, which allows India to receive license-free access to a wide range of military and dual-use technologies. North Atlantic Treaty Organization, क्या है ये? एक बताता हूँ. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इज मिलिट्री अलायंस है बिटवीन 27 यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, जिसमें टू नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज एंड वन यूरेशियन कंट्रीज भी है। ठीक है, तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं इसके बारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो की है जापान रेजेस ह्यूमन राइट्स इशू इन चाइना। जापान ने रेज किया ह्यूमन राइट इश्यूज इन चाइना। जापान रेजेस ह्यूमन राइट्स इशू इन चाइना। तो जापान पार्लियामेंट हैज पास्ड ए रिजोल्यूशन कंसर्न अबाउट रिजोल्यूशन एक्सप्रेसिंग कंसर्न अबाउट राइट्स इशू इन चाइना, इंक्लूडिंग द ट्रीटमेंट ऑफ यूघुर मुस्लिम एंड हांगकॉन्ग। रिजोल्यूशन कॉल्ड ऑन जापान टू इंगेज constructively on rights issue in China. There is increased focus on China's right record and the country prepares to host the Beijing Winter Olympics this month. About Uyghurs, there are about 12 million Uyghurs, mostly Muslim, living in Xinjiang, China. Uyghurs speak their own language and see themselves culturally and ethically close to the Central Asian nations. ठीक है, next है core banking system at post office. Entire post office network जो है वो 1.5 lakh का है under CBS in 2022. Backend system that provides banking transaction across the various branches of a bank. ठीक है, currently जो है post office provides savings account service, payments bank service, Indian Post Payment Bank के थ्रू ये करता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो बजट जो है 2022-23 का इसने अनाउंस किया है एक नया लॉ जो कि वुड बी फॉर्मुलेटेड टू मेक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इनटू प्लग एंड प्ले इंट्रा हैविंग ए फोकस ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड सर्विस सेक्टर डेवलपमेंट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज ए स्पेसिफिकली डेलिग्नेटेड ड्यूटी फ्री इनक्लेव दैट इज डीम्ड टू बी फॉरेन टेरिटरी फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रेड ऑपरेशंस एंड ड्यूटीज एंड टैरिफ्स टू इनहांस द एक्सपोर्ट।
दी स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 इज एन अम्ब्रेला लीगल फ्रेमवर्क टू रेगुलेट स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपमेंट एज वेल एज फॉर यूनिट्स ऑपरेटिंग इन. नेक्स्ट है सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन. क्या है ये? मैंने ई हेल्थ और टेली असिस्टेंस एंड सर्विसेज ई हेल्थ एंड ठीक है. मिलिट्री ऑफ डिफेंस हैज रोल्ड आउट द होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिंस फॉर वेटरन्स एंड सर्विंग मिलिट्री पर्सनल्स इन दिल्ली सीकिंग हेल्थ केयर सर्विसेज अंडर ए ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म. एस सी हेट स्टे होम ओपीडी इज एन पेशेंट टू डॉक्टर सिस्टम. द पेशेंट कैन कंसल्ट डॉक्टर रिमोटली थ्रू द इंटरनेट यूजिंग हिज स्मार्टफोन लैपटॉप डेस्कटॉप और टैबलेट. The online outpatient platform was launched in May 2021 to ensure widespread access to quality health services in remote areas. Besides reducing the load on the hospitals. In remote areas, besides reducing the loads on the hospital. Next है सिरुवानी डैम. सिरुवानी डैम क्या है? तमिलनाडु हैज आउट केरला मेंटेन द स्टोरेज ऑफ द सिरुवानी डैम अप टू इट्स फुल रिजर्वायर लेवल. अबाउट सिरुवानी डैम के बात बोले तो इट इज लोकेटेड इन द पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट केरला. इट इज अ स्ट्रेट मैसोनरी ग्रेविटी डैम बिल्ट अक्रॉस द सिरुवानी रिवर ए ट्रिब्यूटरी ऑफ भागवानी रिवर विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कोवरी बेसिन. इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ था इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1984 फॉर सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर टू द सिटी ऑफ कोयंबटूर इन तमिलनाडु. द कैचमेंट इज इन द रिजर्व फॉरेस्ट्स ऑफ बोथ केरला एंड तमिलनाडु. ठीक है, तो आई होप आज का जो करंट अफेयर्स का जो सीरीज था वो आपको पसंद आया होगा. ये वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके, पहुंच सके. मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए जय हिंद.